आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट फिलोसफी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 35, मॉडर्न मेडिकेशन एंड दी होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। हम इसे पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे, मैं आपको नोटिफाई करती रहूंगी जब हम एक पैरा से दूसरे पैरा में पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा से। इसमें डॉक्टर रॉबर्ट इस पूरे चैप्टर की एक भूमिका बना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हर नेचुरल प्रिंसिपल की तरह होम्योपैथिक प्रिंसिपल भी लंबे समय तक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन किए जाने के बाद और इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे बढ़ते एनलाइटनमेंट, हमारे बढ़ते नॉलेज के थ्रू डिस्कवर हुए हैं। और उनकी डिस्कवरी से लेकर अब तक प्रेजेंट डे तक ये समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। और इसीलिए ये हर तरह के सिचुएशंस में, हर तरह के डिजीज और क्योर के प्रोसेस में एक ठोस चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। चाहे इसके फॉलोअर्स यानी होम्योपैथ्स इनके इस अटल अस्तित्व को माने या ना माने, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा अनचेंजेबल रहते हैं, हमेशा एक्यूरेट रहते हैं उन लोगों के लिए जो इन्हें समझते हैं और समझकर अप्लाई करते हैं और उससे मैनकाइंड का बेनिफिट करते हैं। क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल्स समय के साथ फेड नहीं होते, उनके लिए कोई टाइम एलिमेंट नहीं होता। प्रिंसिपल्स मॉडर्न, एंशिएंट ये सारी बातें नहीं समझते, वो ट्रू है, वो अनचेंजेबल है, वो हर सिचुएशन में काम करते हैं। समय तो उनको सिर्फ और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके और अपनी सत्यता को और भी ज्यादा अच्छी तरह से स्थापित कर सके। ट्रू प्रिंसिपल्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि प्रेजेंट डे में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्योर के तरीके अपनाए जा रहे हैं, पहले वो सही है या नहीं है। ये नेचुरल लॉ पे बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं और इसलिए ये हमेशा हमें रियल क्योर की तरफ लेकर जाएंगे। मूविंग टू सेकेंड पैराग्राफ, ये जो वर्ड मॉडर्न है इसे हमेशा एक कंपैरेटिव सेंस में लिया जाना चाहिए, खास करके जब हम बात कर रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिस की। मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा से मैनकाइंड की डिसीज से डील करती हुई आ रही है और जिसने समय समय पर सो कॉल्ड मॉडर्न डिस्कवरीज की मार झेली है। आज जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो इसके कारण बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में हमारी नॉलेज तो बढ़ी है कि किस तरह से हमारी बॉडी नेचुरल फंक्शन करती है और सफरिंग में हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थेरापेटिक्स की तो काफ़ी हद तक उसकी हालत वैसी ही है जैसी पास्ट में हुआ करती थी, जबकि लाइफ प्रोसेस और बॉडी मैकेनिज्म के बढ़ते नॉलेज के साथ हमें इस बात का भी साफ साफ ज्ञान मिल रहा है कि क्योर करने के लिए करेक्ट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लाइफ प्रोसेस के बढ़ते हुए ज्ञान के बावजूद हमारे सो कॉल्ड डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन में अभी तक इस बात का कोई श्योर और सर्टेन इंडिकेशन नहीं है कि क्योर के लिए हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। जो थेरापेटिक एजेंट्स वो यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, उनकी डिस्कवरी के इतना समय गुजर जाने के बाद भी उनके पीछे का ट्रू साइंस जो क्योर को इंश्योर कर सके वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस बीच हमने सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ पढ़ लिया है और अब फोर्थ पैराग्राफ से डॉक्टर रॉबर्ट्स हमें एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे कि कैसे सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन का थेरापेटिक नॉलेज काफी हद तक वैसा ही है जैसा पास्ट में हुआ करता था। तो इस फोर्थ पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि सिंथेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स की जो डिस्कवरी हुई है पिछले कई सालों में, जैसे एस्पिरिन, ल्यूमिनॉल, द फिनॉल्स, द सल्फामाइड्स, विटामिन्स और बहुत सी अदर सिंथेटिक ड्रग्स, इनमें से हर एक की डिस्कवरी के बाद इन्हें इस तरह से सराहा गया, इनका इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया गया जैसे इनकी डिस्कवरी मात्र से ही हमने ह्यूमन बीइंग्स को हर तरह की डिसीजेस से निजात दिलाने की मेडिसिन पा ली है। लेकिन थोड़े और सोबर इन्वेस्टिगेशन से ही हम ये समझ जाते हैं कि ये सिंथेटिक ड्रग्स तो किसी एक सिम्टम के लिए या ज्यादा से ज्यादा एक छोटे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पर टारगेट करने के लिए ही बनाए गए थे, ना कि एक पूरे पेशेंट को क्योर करने के लिए।
लेकिन बावजूद इसके जैसे ही इनमें से किसी भी एक ड्रग की डिस्कवरी होती थी तुरंत इसकी भरपूर सराहना शुरू हो जाती थी, इसका वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता था। इस हद तक कि बहुत ही कम समय में ही ये न्यूली डिस्कवर्ड सिंथेटिक ड्रग आम लोगों में पॉपुलर हो जाता था और लोग बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप से इन ड्रग्स को एक्सेस कर सकते थे। बाद में जब और सिंसियर इन्वेस्टिगेशंस होते थे और जब इन ड्रग्स का दूसरा पहलू सामने आता था जिसमें ये उजागर होता था कि ये ड्रग कितनी डेंजरस हो सकती है अगर इतना फ्रीली पेशेंट इन्हें कंज्यूम करें तो, कि साथ ही में जल्दी से इस ड्रग्स के ओवरडोज के अगेंस्ट वार्निंग इशू कर दी जाती थी। लेकिन इन वार्निंग्स और ड्रग के पहली एडवर्टाइजमेंट के बीच का गैप इतना ज्यादा होता था कि तब तक ये ड्रग आम लोगों में डेली लाइफस्टाइल में बुरी तरह से शामिल हो चुकी होती थी। लोग इसके कंजम्पशन के इतने आदी हो चुके होते थे कि अब साइड इफेक्ट्स की वार्निंग्स मिलने के बाद भी वो इनका कंजम्पशन कम नहीं कर पाते थे, खासकर वो लोग जो हर छोटे सिम्टम के लिए दवाई लेने के आदी होते हैं, जो सेल्फ डोजिंग के एडिक्टेड होते हैं। परिणाम स्वरूप वो अपनी ही हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं। इस तरह का एक एजेंट था एस्पिरिन। इसकी डिस्कवरी की शुरुआत में इसे बताया गया कि एक हार्मलेस सेडेटिव प्रॉपर्टी वाली ड्रग है जो पेन को मैजिकली कंट्रोल कर सकती है। पेन में रहना किसी को पसंद नहीं होता है, तो जब ये पेन के रामबाण इलाज के फॉर्म में एडवर्टाइज की गई तो बहुत क्विकली इसका वाइड स्प्रेड यूज और भारी मात्रा में कंजम्पशन शुरू हो गया। फिजिशियंस के द्वारा भी इसे फ्रीली प्रिस्क्राइब किया जाने लगा और कॉमन पीपल्स भी किसी भी तरह के पेन से रिलीफ के लिए इसे अनकंट्रोल्ड अमाउंट में लेने लगे। लेकिन जल्दी ही इसकी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज सामने आने लगी और इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हुए मजबूरन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इसके डोजेज के रिगार्डिंग वार्निंग इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़े। लेकिन पेन किलर के फॉर्म में इतनी फेमस हो चुकी थी कि वार्निंग इंस्ट्रक्शंस के बाद भी लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ा। ये एक तरह से एक डोमेस्टिक यूज की मेडिसिन बन गई थी जो हर तरह के दर्द का इलाज थी और उससे भी ज्यादा हॉस्पिटल्स में यूज की जाने लगी थी, जहां पेन से कराहते हुए पेशेंट के लिए सबसे पहले डॉक्टर सोचता था कि पहले हम इसका पेन सप्रेस करें और उसके बाद क्योर की दिशा में काम करेंगे। हम पढ़ चुके हैं पैराग्राफ 4 और 5 और अब हम पढ़ रहे हैं पैरा 6। जब बात हो पेन को सप्रेस करने की तो एक ट्रेन होम्योपैथ ये जानता है कि सिम्टम्स की वैल्यू क्या होती है और सप्रेसिव मेजर्स के क्या परिणाम हो सकते हैं। एक ड्रग जो ह्यूमन इकोनॉमी में चेंज लाने की ताकत रखती है वो कितनी पोटेंट होती है और ओवर यूज किए जाने पर कितनी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने ये चीज ऑब्जर्व की थी। रॉन्ग डोजेज कितनी पॉइजनस और डैमेजिंग हो सकती है। तो एक ट्रेंड होम्योपैथ समझता है और अनुमान लगा सकता है कि सिंथेटिक ड्रग्स कितने डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने सिम्टम्स को कोरिलेट करना सीखा है। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, उसकी चीफ कंप्लेंट, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री को कोरिलेट करके वो समझ सकता है। आज यदि एक पेशेंट उसके पास डिप्रेस्ड वाइटलिटी लेकर आ रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स लेकर आ रहा है, कोलैप्स्ड कंडीशन लेकर आ रहा है, तो उसमें एस्पिरिन जैसे पेन किलर्स की फ्रीक्वेंट डोजेस का कितना बड़ा रोल हो सकता है। साथ ही एक होम्योपैथिक फिजिशियन इस बात के लिए भी ट्रेंड होता है कि जब किसी सिम्टम को सप्रेस किया जाता है या फिर मास्क कर दिया जाता है तो उसके कैसे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। पेन जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है ये बताने के लिए कि बॉडी के अंदर किस तरह का और किस लेवल का डिसकंफर्ट या डिसहार्मनी चल रही है। ये एक गाइड पोस्ट की तरह काम करते हैं और इन्हें सप्रेस करना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। इसीलिए अक्सर हमें क्लिनिक में देखने को मिलते हैं नेवर बीन वेल सिंस दैट वाले पेशेंट, वो पेशेंट जो एक खास इंसिडेंस के बाद, एक खास ट्रीटमेंट के बाद या एक खास डिसीज के इलाज के बाद से अब तक कभी खुद को परफेक्टली हेल्दी नहीं फील कर पाए। ये फिनॉल्स, स्पेशली फिनोबार्बिटॉल, जब इनकी
डिस्कवरी हुई थी, तो इन्हें भी खूब सराहा गया था कई तरह की डिजीजेस को पैलिएट करने के लिए। पर इनके साथ भी वही हुआ, जल्दी ही इनके साइड इफेक्ट्स की डिस्कवरी हुई, पर तब तक ये भी काफी फेमस हो चुके थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रग्स असरदार नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्रग जो ह्यूमन इकोनॉमी को ऑल्टर कर सकती है उसके अंदर एक पोटेंशियलिटी होती ही है, और अगर कोई ड्रग पोटेंट है तो उसमें क्योर करने की भी क्षमता है। लेकिन एक होम्योपैथ अगर इन ड्रग्स को यूज करेगा तो किसी भी डिसीज में इनको प्रिस्क्राइब करने के लिए उसका गाइडिंग प्रिंसिपल होगा सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स। वो हमेशा उन्हीं डिसीजेस के लिए इन्हें प्रिस्क्राइब करेगा जिनसे मिलते जुलते सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे। एक और बहुत पॉपुलर सिंथेटिक ड्रग है सल्फानामाइड्स। ये बात इन्होंने प्रूव करके भी दिखाई, लेबोरेटरी में भी और क्लिनिक्स में भी हर तरह के इन्फेक्शंस पे अपना असर तो दिखाया है। लेकिन बाद के इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को तो डिस्ट्रॉय करती ही है, लेकिन हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर देती है। इस चीज को कम करने के लिए इसके कई तरह के वेरिएशंस सिंथेसाइज किए गए और हर तरह का वेरिएशन पॉपुलर भी हुआ। और चूंकि ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को काफी असरदार तरीके से गायब कर देता था, और शुरुआत में ये बिना रेस्ट्रिक्शंस के आम जनता की पहुंच में था, बिना फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के भी वो इसके लार्ज डोजेस केमिस्ट के शॉप से लेकर कंज्यूम कर सकते थे, तो लोगों को लगने लगा कि जब हम खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर एडवाइस लेकर उन्हें फीस देने का क्या फायदा। लोगों को लगने लगा कि उनके हाथ तो जैसे देवता का प्रसाद लग गया है जो उन्हें हर तरह के इन्फेक्शन से चुटकियों में आराम दिला सकता है। लेकिन देवता का प्रसाद मान भर लेने से वो सिंथेटिक ड्रग अपने हार्मफुल इफेक्ट देने से तो नहीं रुक जाएगी। इसके ओवर कंजम्पशन से कई सारी डेथ्स हुई, तब जाकर इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे रेस्ट्रिक्शंस और ऑब्लिगेशंस लगाए गए। पर अब उनका क्या फायदा था, जो डेथ्स हो चुकी थी उन्हें तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता। फैक्ट तो यही है कि क्योर करने के लिए अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो पेशेंट के वाइटल पावर को, उसकी बॉडी की डायनामिक फोर्स को ही स्टिमुलेट करे और स्ट्रेंथन करे, ताकि उसमें उस डिसीज से लड़ने की क्षमता आ जाए और वो नेचुरल प्रोसेस से उस डिसीज को इरेडिकेट करे। इसके अलावा किसी भी तरह से यदि वो ड्रग काम करती है तो वो पेशेंट की हेल्थ को डेंजर में डालेगी ही डालेगी, चाहे उसके इफेक्ट आपको जल्दी दिख जाए या फिर कुछ समय बाद दिखे। लेकिन डेंजर टू पेशेंट्स हेल्थ इज इनएविटेबल। हम आ चुके हैं 13th पैराग्राफ में। यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट्स कह रहे हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सल्फानामाइड एक अच्छा रिकॉर्ड रखती है निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस के लिए। लेकिन ये भी तो समझे कि सल्फानामाइड का रिकॉर्ड गुड कैसे हो गया। सल्फानामाइड के पहले जिस तरह के मेडिकेशंस दिए जाते थे, जिस तरह के सीरम ट्रीटमेंट दिए जाते थे निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस के लिए डोमिनेंट स्कूल के द्वारा, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस थे और उनसे होने वाली डेथ रेट इससे ज्यादा ही थी। और इस कंपैरिजन के चलते ही सल्फानामाइड को एक बेटर रिजल्ट देने वाली रेमेडी के रूप में प्रचलित किया गया, बल्कि बहुत फेमस अथॉरिटीज द्वारा ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है आपको उसके शुरुआत में ही सल्फानामाइड लेना ही है, क्योंकि अगर आप सल्फानामाइड को कुछ समय बाद लेते हैं, इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है आपकी बॉडी में, तो उसका कोई असर नहीं होगा। अगले पैराग्राफ में यानी 14 पैराग्राफ में इसी स्टेटमेंट को एनालाइज किया गया। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि चलिए इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। यहाँ हमें एक थेरेप्यूटिक एजेंट दिया गया है जिसके बारे में कहा गया है कि ये एक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली ड्रग है, साथ ही में ये हमारी सेल के नॉर्मल फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करती है। इतनी पोटेंट होने के बाद भी अगर हम इसे समय रहते ना दे, यानी कि इन्फेक्शन के एस्टेब्लिश होने से पहले ना दे, तो उसके बाद ये इन्फेक्शन के लिए असरदार नहीं रह जाती है।
यानी ये इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाते। तो अब क्या इसमें हम ये बिलीव कर लें कि इन्फेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम सल्फानिलमाइड लेते हैं तो ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? आप लोगों ने स्टराइल डेथ के बारे में सुना है? इसके डिस्कवरी को भी काफी समय हो चुका है। इस सिचुएशन में होता ये है कि हालांकि पेशेंट की बॉडी में उसके ब्लड में किसी तरह का फॉरेन ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, यानी उसकी बॉडी उसका ब्लड स्टराइल होता है, फिर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये है इन सिंथेटिक ड्रग्स के गुड ओवरडोज का रिजल्ट। मेडिसिन की फील्ड के क्लोज ऑब्जर्वर्स ने ये भी बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि इस तरह की सिंथेटिक ड्रग्स से सो कॉल्ड क्योर पेशेंट अपनी नॉर्मल हेल्थ में रिकवर होने में यूजुअल से ज्यादा समय लगाते हैं। यानी उनका एक्यूट इन्फेक्शन तो चला गया है लार्ज डोजेस ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स दे करके, लेकिन अब पेशेंट की हेल्थ इकोनॉमी को इन्फेक्शन के बैड इफेक्ट से भी ओवरकम होना है और ट्रीटमेंट के टॉक्सिक इफेक्ट से भी ओवरकम होना है। अगले पैराग्राफ में हम सल्फानिलमाइड्स को स्टडी करेंगे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स की लाइट में। सल्फानिलमाइड्स का ह्यूमन बॉडी पे मॉडर्न स्कूल ने तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ नहीं है। जो सिस्टमिक तरीका डॉक्टर हनीमन ने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्रग प्रूविंग नहीं की है ताकि उसके रियल पोटेंशियल पावर्स पता चल सके। लेकिन ऐसा एक अटेम्प्ट डॉक्टर एलन डी सदरलैंड ने किया था और अपने ड्रग प्रूविंग के रिकॉर्ड्स उन्होंने पब्लिश किए थे होम्योपैथिक रिकॉर्डर फॉर सितंबर 1940 में। डॉक्टर सदरलैंड ने जो कंक्लूजन निकाले वो ये थे कि ये सब्सटेंस जब इसे पोटेंटाइज किया जाता है तो इसमें ग्रेट पॉसिबिलिटीज है एज अ होम्योपैथिक रेमेडी। उनके रिकॉर्ड से ही हमको एकमात्र गाइडेंस मिलता है कि इस ड्रग को बिना साइड इफेक्ट के, बिना हेल्थ को डैमेज किए हुए कैसे हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू क्योर भी अचीव कर सकते हैं बिना पेशेंट को एक एडिशनल डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज दिए। मूविंग टू पैराग्राफ 17, होम्योपैथिक प्रिंसिपल हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि हमें पेशेंट को क्योर करना है ना कि पेशेंट की डिजीज को। तो हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि पेशेंट के अंदर अभी जो एक्यूट डिसीज चल रही है हम उसे गायब कर दें, भले ही उसके ट्रीटमेंट के चलते उसे कोई नई डिसीज हो जाए जिसका हम नए सिरे से ट्रीटमेंट करना शुरू करें, क्योंकि इस एक्यूट इलनेस से तो पेशेंट रिकवर कर ही लेगा। रॉन्ग ट्रीटमेंट के चलते सिम्टम्स को सप्रेस करते हुए उसे एक और डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज दे देना ये एक बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है, क्योंकि इस तरह से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होने वाली डिजीजेस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्योर डिजीजेस होती हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज का निमोनिया के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए और दूसरे जनरलाइज्ड या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में जो रिजल्ट देखा गया है बाकी के सारे मेडिकल सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं जिन नेचुरल लॉस पे होम्योपैथी बेस्ड है उनके प्रिंसिपल्स इन इन्फेक्शंस के लिए भी उतने ही श्योरली और सीरियसली इफेक्टिव हैं जितने किसी भी और कंडीशन के लिए। ये कहना मीनिंगलेस है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रॉनिक डिसीजेस या फिर लंबी चले आने वाली डिसीजेस पे भी काम करती है, वो भी स्लोली, और एक्यूट डिसीजेस पे इसकी कोई खास कमान नहीं है। सीरियस एक्यूट इलनेसेस के लिए भी बाकी सारे स्कूल ऑफ मेडिसिन से बेहतर रिजल्ट दिए हैं, बल्कि कई सिचुएशंस में तो इन इन्फेक्शन के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आने से पहले, यानी ये पता लगने से पहले ही कि किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, डिसीज का नाम क्या है, ये पेशेंट क्योर हो जाते हैं। होम्योपैथिक फिजिशियन इस प्रिंसिपल को भी अच्छी तरह से जानता है। एक केस जितना एक्यूट होगा उसकी बॉडी उतने ही स्ट्राइकिंग सिम्टम्स शो करेगी जो उसकी रेमेडी को और भी ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट करेगी। लेकिन वहीं अगर आपने उन स्ट्राइकिंग सिम्टम्स को हैवी डोजेज के थ्रू सप्रेस कर दिया तो हमारी वो क्लियर गाइडलाइन ही ऑब्स्क्योर हो जाएगी और ट्रीटमेंट का रास्ता ही धुंधला हो जाएगा। होम्योपैथिक रेमेडी डिसीज के नाम के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, बल्कि पेशेंट के सिम्टम्स के थ्रू उसकी बॉडी की लैंग्वेज को समझते हुए कम्प्लीट क्योर की तरफ प्रोग्रेस करती है, वो भी बिना किसी सीक्वल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज को पैदा किए। अब बात करते हैं विटामिन्स की। पैराग्राफ 19,
विटामिन्स का डाइट में कितना रोल होता है, कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ये एक बर्निंग सब्जेक्ट रहा है रिसर्चर्स के बीच, केमिस्ट्स के बीच और थेरेपिस्ट्स के बीच। शुरुआत में तो नेचुरल फूड से मिलने वाले विटामिन्स, स्पेशली रॉ फ्रूट्स से मिलने वाले विटामिन्स को एनकरेज किया गया और इन्हें अपनी बैलेंस डाइट में शामिल करने का प्रचार किया गया। लेकिन जल्दी ही एज यूजुअल सिंथेटिक विटामिन्स मार्केट में आ गए और उनके यूज का एडवर्टाइजमेंट होने लगा, क्योंकि ये चीप है, इजीली अवेलेबल है, आपकी मनचाही क्वांटिटी में आप इन्हें ले सकते हैं। और ये फैक्ट भी वेल एस्टेब्लिश था कि विटामिन्स का हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मैन्युफैक्चर में और मेंटेनेंस में कितना गहरा रोल है, तो इन सिंथेटिक विटामिन्स को काफी एनकरेज किया गया। इन्हें और भी पॉपुलर बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए इन सिंथेटिक विटामिन्स को कॉमन फूड आइटम्स में जैसे कि आटा, चावल, ब्रेड, इन सब में मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। और ये बताया जाने लगा कि इस तरह के विटामिन एनरिच्ड फूड लेने से आप अपनी एनर्जी लेवल, अपनी स्ट्रेंथ के लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपनी हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। नेचुरल सी बात है कि ये फूड आइटम्स बहुत वाइड स्प्रेडली कंज्यूम किए गए और साथ ही साइड इफेक्ट्स देखे जाने लगे विटामिन ओवरलोड के। हालांकि इस बात की स्टडी रिजल्ट्स बहुत बाद में उजागर हुए कि विटामिन ओवरलोड के नुकसान काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लैक ऑफ विटामिन्स के। यहाँ पे होम्योपैथी का एक और प्रिंसिपल हमें गाइड करता है कि द अमाउंट नेसेसरी टू अफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज द लीस्ट पॉसिबल। चेंज को लाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसे जितनी कम से कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ही वो एक डिजायरेबल इफेक्ट लेकर आ पाती है। नेचर का एक और लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती ही है। तो हम समझ सकते हैं कि विटामिन्स जिनकी कम से कम मात्रा, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ के लिए, इन्हीं विटामिन्स की ओवरलोडिंग कर दी जाए तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के अकॉर्डिंग वही विटामिन्स जो ग्रोथ और मेंटेनेंस कर रहे थे अब वो डिस्ट्रक्शन और डिसबैलेंस भी करेंगे। इसे हम समझते हैं इंसुलिन के एग्जाम्पल से। डायबिटिक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जिन डायबिटिक पेशेंट्स को एक्सटर्नल इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है तो जल्दी ही उनकी बॉडी खुद का नेचुरल इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। यानी जब बिना किसी एफर्ट के उस पेशेंट की बॉडी को इंसुलिन मिल रहा है तो उसकी बॉडी खुद का इंसुलिन बनाने का एफर्ट करना छोड़ देती है। इवोल्यूशन में भी हमने यही चीज विटनेस की है कि जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया, हमारी बॉडी ने उन ऑर्गन को ही छोड़ दिया। वो ऑर्गन्स या तो वेस्टिजियल हो गए या फिर उनका डेवलपमेंट बंद हो गया। व्हाट अ क्रिएचर डज नॉट यूज ही मस्ट लूज। इसी तरह अगर हम एक्सेस ऑफ विटामिन्स एक्सटर्नली बॉडी को प्रोवाइड करते रहेंगे तो जिन विटामिन्स को बॉडी खुद बनाती थी, खुद सिंथेसाइज करती थी या फिर नेचुरल फूड से एब्सॉर्ब करती थी, अब वो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और सिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी। इवोल्यूशन के इसी लॉ के थ्रू आप कंसीव कर सकते हैं कि अगर इसी तरह विटामिन ओवरलोडेड फूड हम कंज्यूम करते रहे, हमारी यंगर जनरेशन या आने वाली कई जनरेशंस, क्या उनकी बॉडी खुद से नेचुरल विटामिन्स बना पाएगी? क्या वो नेचुरल फूड सोर्सेस से विटामिन्स को एसिमिलेट कर पाएगी? या फिर कोई रेडिकल चेंज होगा ह्यूमन इकोनॉमी में इस सारी प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए? हम आ गए हैं पैराग्राफ 23 में। तो इस तरह से हम खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं, खासकर उन विटामिन्स के बारे में जो हमारे स्पेशल सेंसेस पे काम करते हैं। क्या सिंथेटिक विटामिन्स के ओवरडोज से हमारे स्पेशल फंक्शंस भी अफेक्टेड होंगे? बताया गया है कि विटामिन सी एंड डी की कमी से रिकेट्स होता है और रिकेट्स के इफेक्ट से ओवरकम करने के लिए भी विटामिन सी और डी दिया जाता है। और इन जनरल ये हमारी बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि इनकी एक्सेसिव डोज भी
रिकेट्स कॉज कर सकती है। इसी तरह विटामिन ई का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के जनरेटिव फंक्शंस को स्टिमुलेट करना। अगर इसकी मैसिव डोजिंग हो गई तो क्या हमारे जनरेटिव फंक्शंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं हर विटामिन का क्या एक्चुअल फंक्शन होता है और इसकी ओवरडोजिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ होम्योपैथ कि हम किसी भी तरह के सिंथेटिक ड्रग की पोटेंशियलिटी को कभी भी ओवरलुक ना करें, और साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान रखें जो हमारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि जो इफेक्ट इस सिंथेटिक ड्रग ने लेबोरेटरी के उस एनिमल पे किया होगा, ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन इकोनॉमी में हमारे पेशेंट पे भी इसके वैसे ही असर दिखे, क्योंकि हर ड्रग का एक प्राइमरी इफेक्ट होता है और सेकेंडरी इफेक्ट होता है, और सेकेंडरी इफेक्ट हमेशा प्राइमरी इफेक्ट का ऑपोजिट ही होता है, और लेबोरेटरी में यूजुअली सिर्फ प्राइमरी इफेक्ट्स ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ पे, जो इस पूरे चैप्टर को समराइज करता है, एक तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता है कि ये पूरा चैप्टर हमें क्या सीख दे रहा है। डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स हमें बता रहे हैं कि जब भी कोई नई डिस्कवरी हो तो हम हमेशा उसे अपने लॉज की, अपने प्रिंसिपल्स की लाइट में रखकर देखें, उन्हें परखें, इन्वेस्टिगेट करें और तभी उन्हें इस्तेमाल में लाएं। क्योंकि ये भी बेवकूफ़ी है कि हर नई चीज़ को हम रिजेक्ट कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नई है, लेकिन ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम हर नई चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें जस्ट बिकॉज वो नई है, वो फैशन में है, वो मॉडर्न है। जब तक हम उसकी वैलिडिटी को, उसकी साउंडनेस को एक सही प्रोसेस के थ्रू टेस्ट ना कर लें, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में सही क्या होगा, सही डिसीजन क्या होगा। जब सब कुछ धुंधला नजर आता है तब फिलॉसफी एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है जो हमें हमारे प्रिंसिपल के बेसिक्स तक लेकर जाती है, हमारे नेचुरल लॉज तक लेकर जाती है। वही हमारे लिए रोशनी का काम करती है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए एक सॉलिड सतह प्रोवाइड करती है। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और आप जुड़े रहिए फिलॉसफी के साथ।